मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष आपका मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर के आए। 2020, 2021 एक महामारी की चपेट में सभी के लिए कुछ ना कुछ अशुभ परिणाम देकर के गया। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग आर्थिक मानसिक रूप से परेशान रहे, बहुत सारे लोगों ने को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा यह जो नवीन वर्ष है 2022 किस प्रकार से जाएगा। इसी के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से 12 वीडियो के माध्यम से 12 राशियों के बारे में हम आपको बताने के लिए जाएंगे कि मेष से लेकर के मीन राशि वालों का यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा। हर एक राशि का एक एक वीडियो रहेगा और संभवतः हो सका तो उसको दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें व्यापार, स्वास्थ्य, विद्या, वाहन, कर्ज, यात्राएं आदि के बारे में, प्रेम प्रसंग, इनके बारे में हम फिर डिटेल से एक दूसरे वीडियो में भी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले वीडियो में हम जो है वार्षिक राशिफल बताएंगे कि आपका यह वर्ष किस प्रकार से जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित क्रीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, वार्षिक राशिफल जो हम देने के लिए जा रहे हैं, उसे आप लग्न कुंडली के आधार पर और राशि के आधार पर, दोनों के आधार पर समझें। दोनों के आधार पर यह राशिफल हम आपको बताएंगे कि लग्न के आधार पर, यानी आपके यदि मेष राशि है, यानी मेष लग्न और मेष राशि दोनों के आधार पर आपका राशिफल हम इन वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपका राशिफल वार्षिक किस प्रकार से रहेगा। लेकिन उसके पहले कुछ तीन ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने के लिए जा रहा है, उसके बारे में जान लेना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि यह वर्ष हमारा कैसा रहेगा। इस वर्ष गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति जो है वर्ष के शुरुआती महीनों में कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन 12 अप्रैल 2022 को यह अपनी स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद में 23 फरवरी 2022 को बृहस्पति अस्त होंगे, जहां से 27 मार्च 2022 को बृहस्पति जो है फिर से उदय हो जाएंगे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपनी खुद की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात ये पूरे वर्ष मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इसके बाद बृहस्पति जो है 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में बकरी हो जाएंगे, और इसके बाद में 24 नवंबर को बृहस्पति दोबारा मार्गी होंगे। तो ये तो गुरु का हमने आपको गोचर बताया कि वो किस प्रकार से अपना राशि परिवर्तन कब कब करेंगे, जिनका प्रभाव समस्त राशियों पर पड़ेगा। इसके बाद में शनि, शनि ग्रह को जो है क्रूर ग्रह माना गया है, और यह चूंकि धीमी गति से चलता है, इसलिए यह एक राशि में 2.5 वर्ष तक लगभग रहते हैं। वर्तमान में शनि की साढ़े साती की जो महादशा है, वो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशियों पर चल रही है। अढ़िया शनि मिथुन राशि और तुला राशि पर चल रही है, यानी 5 राशियों को यह प्रभावित करता है। लेकिन इस बार जो है शनि देवता जो है वो 8 राशियों को प्रभावित करेंगे। तो जानते हो किस प्रकार से प्रभावित करेंगे।
वर्तमान में शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 2022 में शनि का राशि परिवर्तन होगा। ये दो बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहला राशि परिवर्तन इनका 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस राशि परिवर्तन में शनि अपनी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को शनि फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि की चाल से पांच राशियां जैसे हमने आपको बताया प्रभावित होती हैं, लेकिन शनि अप्रैल में राशि परिवर्तन करने के बाद 12 जुलाई को बकरी हो जाएंगे और बकरी अवस्था में शनि जो है उल्टी चाल चलते हैं। बकरी अवस्था में शनि अपनी पिछली राशि यानी मकर राशि में फिर संचरण करेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि के राशि परिवर्तन के कारण धनु राशि वालों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। मिथुन व तुला राशि वालों को 2.5 शनि से इनको मुक्ति मिलेगी। शनि गोचर के साथ ही मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 शनि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और इसके कारण जो है ये कर्क और वृश्चिक राशि में इनकी 2.5 शनि चालू हो जाएगी। 12 जुलाई 2022 में फिर से शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, बकरी चाल चलेंगे। यह स्थिति 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। इसके कारण शनि मार्गी होकर कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे, जिसके कारण से धनु, मकर, कुंभ, मीन, मिथुन, तुला, कर्क और वृश्चिक राशि ये आठ राशियां प्रभावित होंगी। ये शनि का राशि परिवर्तन हुआ। इसके बाद में राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे और इनका जो राशि परिवर्तन है 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर इनका जो है मेष राशि में गोचर होगा और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीन ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, जिनका समस्त राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब हम जब राशि वार्षिक राशि को देखें, उसके पहले यह देखना जरूरी है कि जब सूर्योदय होगा यानी 1 जनवरी 2022 को प्रातः काल की कुंडली क्या बनती है, वह कुंडली क्या बता रही है कि उस समय ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा, किस किस जगह पर ग्रह नक्षत्र रहेंगे, उसी आधार पर आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। उस समय धनु लग्न की कुंडली रहेगी यानी 9 अंक जो है वो लग्न में होगा, उसमें सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव यानी दशम भाव, दशम मकर राशि में बुध और शनि रहेंगे। गुरु जो है कुंभ राशि यानी तृतीय भाव में रहेंगे। छठे भाव यानी वृषभ राशि में जो है वो राहु रहेंगे और अष्टम भाव यानी द्वादश में जो है द्वादश भाव में मंगल, चंद्रमा और केतु रहेंगे। तो ये तो ग्रहों की स्थिति हुई। अब हम राशिगत जो है आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि कौन कौन सी राशि में का वार्षिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2022 की इस कड़ी में आज हम आपके लिए दूसरी राशि यानी वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के बारे में बताएंगे कि जिनकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है तो उनका यह वर्ष 2022 किस प्रकार से जाने वाला है। वृषभ लग्न में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, सबसे पहले यह देख लेते हैं। लग्न में यानी वृषभ राशि 2 नंबर रहेगा, उसमें राहु रहेंगे। सप्तम भाव में यानी वृश्चिक राशि रहेगी, उसमें मंगल, चंद्रमा और केतु रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र रहेंगे। नवम भाव में शनि और बुध रहेंगे और दशम भाव में गुरु विराजमान रहेंगे। इसके आधार पर वृषभ लग्न व वृषभ राशि वालों का वर्ष फल कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष 2022 उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप व्यापार कर रहे हैं या आप नौकरी पेशे वाले हैं या आप अध्ययन कर रहे हैं,
सभी क्षेत्रों में इस समय आपके लिए सफलता मिलने के लिए जा रही है, यानी हर क्षेत्र में आपके लिए सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम व पेट संबंधी कुछ शिकायत आपको हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी बीमारी होने के कोई संकेत इस वर्ष में आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा की तिथि जो है वो महालक्ष्मी योग बना रही है, जो कि एक उत्तम योग है। इसके कारण शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी तो होगा, लेकिन वो आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। आर्थिक स्थिति इस समय जो है आपकी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ रहेगी। दिन प्रतिदिन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होते हुए चला जाएगा। तो यह योग जो है आपके लिए आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। शनि का नवम भाव में होना, शनि नवम भाव में स्वराशि में है, भाग्य भाव में है, यानी इस स्थान पर बैठकर के शनि जो है भाग्य के लिए और ज़्यादा प्रबल कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो है भाग्य इस समय बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगा। नौकरी में इस समय आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए पदोन्नति हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है, मनचाही जगह, यानी यदि जो विद्यार्थी लोग हैं यदि कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें उनके लिए सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अप्रैल के बाद में राहु की जैसी राशि परिवर्तन होगा, वो द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो द्वादश भाव में आने के कारण बेतहाशा आपका पैसा खर्च होगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। इस समय आपका इतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा कि आपके लिए जो है अपने परिवार को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कर्ज इत्यादि आपको लेना पड़ सकता है। फिजूल खर्ची आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, खासकर संतान की शादी ब्याह को लेकर के, कोई मांगलिक कार्य को लेकर के, या बच्चों के कैरियर संबंधी खर्चे अनायास आपको सामने आ सकते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। इस वर्ष शनि जो है 29 अप्रैल तक नवम भाव में रहेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है, उनकी मेहनत का फल उनके लिए मिलेगा। जो विद्यार्थी पढ़ने के पश्चात में कहीं नौकरी या इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, तो इस समय यह शनि जो है आपके लिए अच्छी नौकरी दिलाएगा और आपको नौकरी में पदोन्नति भी दिलाएगा। अप्रैल से जुलाई के मध्य में दशम स्थान से शनि जो है व्यापार भाव में आ जाएंगे, यानी दशम भाव में आ जाएंगे, तो यह आपके लिए शिथिलता प्रदान करेंगे। आपके अंदर आलस्य बहुत आएगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, नौकरी पेशे वालों का भी मन नहीं लगेगा, इसलिए इस समय थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय ठीक नहीं है। कर्मचारी भागीदारी का आपका सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनके क्रियाकलाप जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर आपको पैनी नज़र रखना चाहिए, अन्यथा आपके लिए किसी प्रकार का कोई भी धोखा वो दे सकते हैं। इस समय आपके लिए किसी प्रकार का कोई भी पैसों के मामले में कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए, किसी व्यक्ति को आपको उधार इत्यादि नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपकी राशि फंस सकती है, डूब सकती है, आपके साथ में विश्वासघात आदि हो सकता है। संपत्ति संबंधी विवाद, बंटवारे या कोर्ट कचहरी में आपको इस समय सफलता मिलेगी। यदि किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति का विवाद चल रहा है या कोर्ट कचहरी में कोई बंटवारे इत्यादि का कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नौकरी आदि में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग के मामले में मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यदि आप किसी से संबंध बनाते हैं तो वो ठीक रहेगा। यदि मर्यादा से आगे लांघ करके यदि आप कोई कार्य करेंगे तो इस समय आपको बदनामी आपकी हो सकती है। रिश्तेदारों व मित्रों के साथ में आप जो है अपना हंसी खुशी से अपना समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक जिंदगी आपकी इस समय बहुत अच्छी रहेगी, पति पत्नी में बढ़िया तालमेल रहेगा, बच्चों के साथ में आपका प्रेम व्यवहार बना रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण इस समय करना चाहिए, यदि आप वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। मित्रों के साथ में कुछ कहा सुनी आपकी हो सकती है। यात्राएं आपकी सार्थक होंगी, यात्राएं आप इस समय करेंगे, लंबी यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं। अप्रैल माह में किसी वरिष्ठ सदस्य के बीमार होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं,
जिसके कारण आपको अस्पताल आदि के चक्कर काटना पड़ सकता है। तो मित्रों, यह प्रथम जो पार्ट है उसमें हमने आपके लिए पहले भाग में मोटी मोटी कुछ चीज़ें बताएं कि वृषभ राशि वालों का यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा। दूसरे भाग में हम आपको बाकी और जानकारी देंगे, तो उसके लिए आप दूसरे भाग को जरूर देखें, जिसमें हम व्यापार, प्रेम संबंध, यात्राएं, नौकरी, विद्या धन, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग जानकारी देंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी, और साथ में उपाय भी देंगे। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आप, ये जो भाग है आपका शुक्र का पर्वत है, इसमें थोड़ा सा इत्र लगा लें, और इत्र लगाने के बाद में एक चांदी का सिक्का उस पर रख दें और एक कमल का फूल का पत्ता ले लें, उसमें थोड़ा सा इत्र लगा लें और उसको यहाँ रख करके बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर करके, और आप जो है कम से कम 5 मिनट ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह वर्ष उत्तम जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका वर्ष उत्तम रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही हम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।